100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरी होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में एक जश्न मनाया जा रहा है। स्कूल, अस्पताल, ऐतिहासिक धरोहरों को भी इस जश्न में शामिल किया गया है और सभी को सजाया जा रहा है। बता दें कि देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगने के बाद राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह जश्न देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज साउथ दिल्ली के संगम विहार वार्ड नंबर 78 में MCD स्कूल में स्थानीय निगम पार्षद और किन्नर समुदाय के लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी और उनका सम्मान किया गया। संगम विहार के MCD स्कूल में आज करीब 400 वैक्सीनेशन डोज लोगों को लगाई जाएंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन आज किन्नर समुदाय की तरफ से किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की तरफ से पहुंची उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद और धन्यवाद किया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय निगम पार्षद और किन्नर समाज के द्वारा किया गया था। यहां पर किन्नर समाज की तरफ से 400 वैक्सीन की डोज स्थानीय लोगों को लगाई जाएगी। के 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन लग गई है और पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो ये वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन बनाकर जो एक कीर्तिमान हासिल किया और आज एक इतिहास रचा गया है। जब हम 100 साल 200 साल पुराना इतिहास हम आज पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने भी, हमारे इस पीढ़ी ने भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक इतिहास रचा है जो आने वाले भविष्य में भी बच्चों को बताया जाएगा कि ये ऐसे समय पे एक महामारी, एक ऐसी बीमारी जो पैदा हुई थी जिसके कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और पूरे विश्व के अंदर एक महामारी जिस रूप से ये कोरोना फैला था उसको कंट्रोल करने के लिए आज हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगा चुकी है और सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमारे देश में लगी है और सबसे ज़्यादा हमने स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी। और आज हम उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिसकी वजह से हमारे देश के सभी नागरिकों ने वैक्सीन लगाई और अपने जीवन को सुरक्षित किया और बहुत जल्दी हमारे बच्चों पे भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। जो 3 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। आज हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के उपलक्ष्य में सभी कोरोना योद्धाओं को, डॉक्टर्स को, जो नर्सेज हैं, जो सिविल डिफेंस की टीम है जिन्होंने जा जाके कैंप लगा के स्कूलों में, एरिया में जा जाके लोगों को अवेयर किया और वैक्सीन लगवाई और लोगों को प्रेरित किया, लोगों के दिलों से जो उनके भय था, उनके दिलों में जो डर था वैक्सीन को लेके, उस डर को ख़त्म किया। और जो विरोधी लोग इसका विरोध कर रहे थे, आज वो सबसे पहले जब उनके सेकेंड वेव आई और लोगों ने कोरोना के चक्कर में अपनी जानें गंवाई तो उनकी भी जो असलियत थी सामने आई और भाग भाग कर जाकर वैक्सीन लगाई। तो ये साबित करता है कि हमारा देश सक्षम है, हमारे देश का वैज्ञानिक सक्षम है। और आज हम लोग सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है विदेश के लोगों को भी, बाहर अलग कंट्रीज़ के 13 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हम लोग वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं जो कोविशील्ड है। और हमारे देश के अंदर इस चीज़ को जिस तेज़ी से लागू किया गया, आज भी हम लोगों ने अपने ये वार्ड 78 के अंदर, मेरा जो MCD का स्कूल है, यहाँ हमने पहले भी वैक्सीन के जब बार बार SDM की मदद से, DM की मदद से हम लोग यहाँ पे कैंप लगाते हैं। आज के कैंप की ऑर्गेनाइजर हमारी अनीता दीदी हैं और इनकी जो पूरी टीम है, एक बार ये सबसे अपना परिचय करवाएंगे। आज की जो वैक्सीन का, हम लोगों ने 300 वैक्सीन हमें DM की तरफ से सेंशन हुई है और आज की सारी जिम्मेवारी हर बार हम पार्षद होने के नाते मैं उठाती थी, लेकिन आज हम दीदी का सहयोग कर रहे हैं और आज ये अनीता दीदी ने पूरी टीम के साथ, इन सब लोगों ने, आपके सभी लोगों ने वैक्सीन लगा दी और हमारा समाज इन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अपने शुभ कामों में इन सब का आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा मान्य रखता है। और आज हम सभी लोगों ने, इन्होंने पीड़ा उठाया कि हमारे क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर जितने भी लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी, आज इनके अध्यक्षता में हम लोग उन लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं।